आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंक के सात काल। हिंदुस्तान ने दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री समझे जाने वाले मुल्क पाकिस्तान की घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर अब मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है, जिसका मकसद है आतंक के खिलाफ जंग। इस मिलिट्री ड्रिल में एक साथ पड़ोसी मुल्क को की सेना टेररिज्म कॉम्बैट ऑपरेशन पर वर्कआउट करेगी, जो आतंक के खिलाफ आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर देगा। सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। हिंदुस्तान के दुश्मनों को अब कहीं नहीं मिलेगी पनाह। सरहद पर अब नहीं चलेगी पाक की नापाक चाल। क्योंकि हिंदुस्तान तैयार कर रहा है आतंक के साथ का। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। सीमा पार से अब भारत में आतंकी घुसपैठ नहीं कर सकेंगे और ना ही पड़ोसी मुल्क की जमीन का पाकिस्तान आतंक के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान के हर हथकंडे की काट अब हिंदुस्तान के पास होगी। जहां एक तरफ घाटी में भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए एक के बाद एक आतंकियों का सफाया कर रही है, तो वहीं सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान में पनाह लिए आतंक के आकाओं की बौखलाहट बढ़ी है। इतना ही नहीं, घाटी में अब जल्द ही तैनात होंगे आतंकियों के यवराज, जो पलक झपकते ही आतंकियों का करेंगे खात्मा। आतंकियों के ये यमराज कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ब्लैक कैट नाम से मशहूर NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिन्हें घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए जल्द तैनात किया जाएगा। वो जो NSG गई है, ये स्पेशल एक्शन ग्रुप के फोर्सेज हैं और ये बेसिकली आर्मी के होते हैं, जो डेपुटेशन जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर गए हैं। इनके पास स्पेशल वेपन्स भी हैं और ज़रूरत पड़ने पे अच्छा ऑपरेशन होगा। इससे साथ में सिग्नल भी जाता है, एक सिग्नल जाता है टेररिस्ट को, देखिए अभी हम आपके पीछे पड़ गए हैं और आपको चुन चुन के वहाँ से निकाला जाएगा और आप वहाँ पर जो है उनको उनके मोरल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये ऐसे में ना तो आतंकियों को और ना ही उनके आकाओं को कुछ भी सूझ रहा है। यही वजह है कि झुंझलाहट में आतंकी कभी कलम के सिपाही की हत्या कर देते हैं, तो कभी धोखे से सेना और पुलिस के जाबाज जवानों को मार रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान आतंकियों के खिलाफ अब इससे आगे बढ़कर एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को घेरने के लिए हिंदुस्तान अब पड़ोसी मुल्कों को एकजुट करने जा रहा है और इसके तहत हिंदुस्तान पड़ोसी देशों के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, जिसका मकसद है आतंक के खिलाफ जंग। दरअसल भारत बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ मिलकर इस साल सितंबर महीने में युद्ध अभ्यास करने जा रहा है, जो कई मायनों में खास होने वाला है। बिम्स्टेक सदस्य देशों की ये मिलिट्री एक्सरसाइज 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक पुणे में होगी। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार की सेना शिरकत करेगी। और तो और, 7 देशों के बीच होने वाले इस मिलिट्री ड्रिल में ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन हिस्सा लेगा। लेकिन ये मिलिट्री ड्रिल कई मायनों में खास होगी, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में टेररिज्म कॉम्बैट ऑपरेशन के तरीकों पर सभी देशों की सेना वर्कआउट करेगी, तो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए सदस्य देशों की सेना के बीच बेहतर तालमेल और समझ विकसित हो सके, इस दिशा में कोशिश की जाएगी। इसका मकसद सदस्य देशों में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन के तालमेल को मजबूत करना है। इस मिलिट्री ड्रिल में सदस्य देशों की सेना के 5 अधिकारी स्तर के और 25 दूसरे रैंक के ऑफिसर हिस्सा लेंगे।
जाहिर है हिंदुस्तान के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आतंक के इस सात काल पाकिस्तान परस्त आतंक को मुंह तोड़ जवाब देंगे। टीम न्यूज नेशन। तो आतंक के खिलाफ जंग में अब हिंदुस्तान अकेला नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में अब भारत का साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे देश भी देने को तैयार हैं। अब ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पाक प्रायोजित आतंक के दिन जल्द ही खत्म होने वाले हैं। आतंक की फैक्ट्री से आतंकी पैदा होंगे, लेकिन अपने नापाक मंसूबे में वो अब कामयाब नहीं हो सके। दहशतगर्दी को अंजाम देने का मंसूबा तो वो पालेंगे, लेकिन अब उनके आका भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आतंक को उसकी मान में कुचलने के लिए सात मुल्कों की संगठित सेना अब तैयार हो रही है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि साउथ एशिया में आतंक ने किस कदर अपनी जड़ें जमा ली हैं। यहां तक कि पाक की सरजमी पर पल रहे आतंकियों को वहां की सरकार का किस तरह समर्थन हासिल है। ऐसे में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ महाजंग की जरूरत है, जिसकी शुरुआत अब बंगाल की खाड़ी से सटे बिमस्टेक ग्रुप के सदस्य देशों के एक साथ हाथ मिलाने से शुरू हो चुकी है। जिस बिमस्टेक का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक और तकनीक के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया गया था, वो आतंक के खिलाफ कमर कस चुका है, और इसी का नतीजा है कि इस साल सितंबर में पहली बार होगा कि सदस्य देश एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। इससे आतंकियों के खिलाफ सात मुल्कों की सेना योजनाबद्ध तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस कदम से भारत पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब रहेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आतंक पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को एक्सपोज कर पाएगा। कमर तोड़नी आपको किसी भी टेररिस्ट मूवमेंट की या पायरेसी की जैसे तोड़ी थी, फंडिंग रोकिए। फंडिंग सबसे पहली चीज़ होती है, पैसा ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? अगर गवर्नमेंट से आ रही है किसी, तो उसको एक्सपोज कीजिए उस गवर्नमेंट को कि ये हो रहा है, देखिए ये गवर्नमेंट दे रही है, प्रूफ दीजिए, यूएन में प्रूफ दीजिए, दिया है हमने, चाहे वो देश बोलता रहे हमने कुछ नहीं किया, पर एक बार आपने प्रूफ दे दिया, बाकी देशों ने देख लिया ना कि है आपके पास प्रूफ। इतना ही नहीं, जब बिमस्टेक के सदस्य देश की सेना एक साथ आतंकियों के खिलाफ एकजुट होगी, तो आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को एक बड़ा आघात लगेगा और पाकिस्तान एशिया में अलग थलग पड़ जाएगा। यूं भी भारत ने पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुसे आतंकियों को काल के गाल में पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट फिर से शुरू कर दिया है। ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट वन में सेना ने 200 आतंकियों को ढेर किया था, और अब ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट टू में 300 आतंकियों को मारने की तैयारी है। सुरक्षा बलों के टारगेट पर इस बार 300 आतंकी हैं। इन 300 आतंकियों में सुरक्षा बलों के हिटलिस्ट में 10 आतंकी ऐसे हैं जो अमन के लिए खासतौर पर खतरा है, और सबसे पहले उनका सफाया करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया। ये तमाम आतंकवादी ए प्लस और ए प्लस प्लस कैटेगरी के बताए जाते हैं। मोस्ट वांटेड आतंकियों में सबसे ऊपर है ए प्लस प्लस कैटेगरी का आतंकी जाकिर मूसा। दूसरे नंबर पर लश्कर ए तैयबा का आतंकी बाबर नदीम उर्फ हफीक है। अलकायदा की इंडियन ब्रांच का आतंकी समीर अहमद भट्ट, इसी टेरर ग्रुप का एक और सदस्य बुरहान मजीद, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी तौसीद अहमद ठोकर, हिजबुल का ही आतंकी तौसीफ अहमद भट्ट, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मुजम्मिल नबी, लश्कर ए तैयबा का आतंकी वशरत अहमद शाह, लश्कर का ही आतंकी सुहेल अहमद डार और नासिद अहमद डार। आतंकवाद अगर आपको रोकना है तो खाली 1-10 हिटलिस्ट के लोगों को मार के तो आतंकवाद नहीं खत्म होगा। अगर 10 को मारेंगे 5 और कहीं से निकल आएंगे या बॉर्डर की उस तरफ से आएंगे। ये मल्टी प्रॉन्ग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आपको उनकी फंडिंग बंद करनी है, आपको फॉरन आपको इंटरनेशनल बॉडीज़ में उनके अगेंस्ट सैंक्शन लगवानी है, आपको टैक्टिकल लेवल पर उनको न्यूट्रलाइज करना है। खाली एक चीज़ करने से कुछ नहीं होगा, आपको पॉलिटिकल लेवल पे अपने लोगों से बात करनी है कि और लोगों को ना बहकाएं। तो ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है। घाटी से आतंकियों की सफाई के लिए एनएसजी का विशेष दस्ता भी कश्मीर पहुंच चुका है, लेकिन जब भारत के पड़ोसी मुल्क की सेना एक साथ आतंक पर प्रहार करेगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एशिया से आतंक का नामो निशान मिट जाएगा। टीम न्यूज नेशन। आतंकवाद के खिलाफ पड़ोसी मुल्कों को एकजुट करने की भारत की रणनीति दरअसल पाकिस्तान और चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसे चीन का साथ मिला हुआ है। आतंकियों के खिलाफ यह हिंदुस्तान के जाबाज जवानों की ललकार है, जिससे आतंकी कैंप में दहशत है।
आतंक के खिलाफ हिंदुस्तानी सेना की ये वो कार्रवाई है जिससे घाटी से लेकर पाकिस्तान में आतंक की आग का बौखला है। पाक प्रायोजित आतंक के खिलाफ जारी इस जंग में हिंदुस्तान को अब उसके पड़ोसी मुल्कों का भी साथ मिलने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। दरअसल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जो घेरेबंदी करने की योजना बनाई है वो चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ को करारा जवाब देती है, क्योंकि भारत के खिलाफ ड्रैगन लगातार चक्रव्यूह रच रहा है। चीन भारत के ज्यादातर पड़ोसी मुल्कों से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। चीन इन देशों की आर्थिक मदद के बहाने वहां अपना सैन्य अड्डा बनाने की साजिश रच रहा है ताकि भारत की घेरेबंदी की जा सके। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा, अफ्रीका में जिबूती के अलावा भी चीन ने नेपाल मालदीव में आर्थिक मदद के जरिए अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया है तो साल 2002 में बांग्लादेश और चीन के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम करार हो चुका है। भारत के पड़ोसी मुल्कों को चीन एक के बाद एक लगातार टारगेट कर रहा है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के कश्मीर पर दावे का हमेशा समर्थन किया है तो पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के यूएन के प्रस्ताव में भी अड़ंगा लगाया है। इसके बदले में पाकिस्तान ने तिब्बत और ताइवान पर चीन के दावे का समर्थन किया, यहाँ तक कि दूसरे इस्लामिक देशों के साथ चीन के रिश्ते पाकिस्तान से ही होकर निकलते हैं। इसके साथ ही भारत को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान भी चीन को ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक देखना चाहता है। ऐसे हालात में अगर भारत ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों के साथ युद्धाभ्यास करने की योजना बनाई है तो इससे सीधा आघात चीन और पाकिस्तान को ही लगेगा, क्योंकि भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से चीन के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो सकेंगे। टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ भारत बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की घेराबंदी करने में लगा है तो दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान की सेना एक साथ पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही हैं और वो भी आतंक के खिलाफ। जी हां, शंघाई सहयोग संगठन के तहत ये मिलिट्री ड्रिल रूस में इस साल सितंबर महीने में होने वाली है। बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों की तलाश में हेलीकॉप्टर से फौजी उतरेंगे। आतंकियों के खात्मे के लिए बहुमंजिला इमारत पर कमांडो चढ़ेंगे। आतंकियों के चंगुल से बंधक को छुड़ाने के लिए जाबाज हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जंगलों में एम्बुश लगाकर बैठे आतंकियों पर कैसे हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद करना है, इसका अभ्यास भी कई देशों की सेना करेगी। लेकिन ये युद्ध अभ्यास मामूली नहीं होगा, क्योंकि इतिहास से पहली बार भारत और पाकिस्तान के फौजी कंधे से कंधा मिलाकर आतंक के खिलाफ जंग का अभ्यास करेंगे। सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन दुनिया में आतंक की फैक्ट्री समझे जाने वाले पाकिस्तान के फौजी आतंक के खिलाफ जंग का अभ्यास करेंगे और वो भी हिंदुस्तान के उन जाबाजों के साथ जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से लगातार जंग लड़ रहे हैं। और ऐसा मुमकिन हो पाया है शंघाई सहयोग संगठन के तहत होने वाले काउंटर टेरर एक्सरसाइज के चलते, क्योंकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान की सेना एक साथ युद्ध अभ्यास करेगी। और खास तौर से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आर्मी खास तौर से पूरी इंडिया की पॉलिसी कंट्रोल करती है। अभी एससीओ के दौरान अभी जॉइंट ट्रेनिंग होगी, एससीओ हमेशा जॉइंट ट्रेनिंग होती रही है, मल्टीलेटरल ट्रेनिंग होती है एससीओ में, और अभी दोनों इंडिया और पाकिस्तान अभी एससीओ के मेंबर्स हैं और अगर जॉइंट ट्रेनिंग हो रही दोनों के साथ में, दोनों को ट्रेन करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है ये दोनों को ट्रेन करना, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होते हैं उसमें, आज तक ये हुआ नहीं है। ये युद्ध अभ्यास इसी साल सितंबर महीने में रूस के उराल की पहाड़ियों पर होने वाला है। काउंटर टेररिज्म के लिए इस युद्ध अभ्यास में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल होंगे। खासकर दुनिया भर में तेजी से बदलते हालात में रूस और चीन नहीं चाहते कि एशिया की ये दो ताकतें नाटो की तर्ज पर बनाए गए शंघाई सहयोग संगठन से अलग रहें, लिहाजा ये पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान को एक साथ सैन्य अभ्यास में शामिल किया गया है। रूस और चीन की कोशिश है कि इस युद्ध अभ्यास के जरिए सदस्य देशों में काउंटर टेरर सहयोग तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा एशिया में शांति स्थापित करने में मदद हासिल होगी। दरअसल साल 2001 में रूस और चीन की पहल से बनाए गए शंघाई सहयोग संगठन ने पहले ही शंघाई सहयोग संगठन में पहले किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, साकिस्तान, उज्बेकिस्तान सदस्य देश थे, लेकिन साल 2005 में भारत और पाकिस्तान को बतौर पर्यवेक्षक शामिल किया गया और 2017 में दोनों देशों को सदस्य बना लिया गया। भारत को उम्मीद है कि एससीओ के युद्धाभ्यास में शामिल होने से रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद हासिल होगी, लेकिन आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का दोहरा रवैया इस मकसद को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा है।
टीम न्यूज नेशन। हम फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।